शुरू हो रहा है, अच्छी बात है, लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से डीएनए का सेटअप जहाँ हॉस्पिटल का यहाँ पर बना है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा मिलेगी और लोगों को ज़्यादा दूर तक अस्पताल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब आदमी बीमार होता है उसको तुरंत जब उपचार की आवश्यकता होती है तो डीएनए हॉस्पिटल जैसी एक सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। मैंने देखा हॉस्पिटल, तो लोगों को यह अच्छी सेवा मिलेगी। सर, कोरोना काल को लेकर लोग परेशान है, क्या डीएनए हॉस्पिटल में भी कंसेशन दिया जाएगा वैसे? नहीं, ऐसा है कि डीएनए हॉस्पिटल जिस तरह से चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो कंसेशन होगा वो देना ही पड़ेगा, कोई भी हॉस्पिटल हो, डीएनए हो और कोई हो। सर, मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, ऐसे में क्या करेंगे? ऐसा है कि वैक्सीन आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से और से वैक्सीन दिया जाता है और स्टेट और महानगर पालिका वैक्सीन ले लेती है और लोगों को भी देती है। महानगर पालिका की ओर से वैक्सीन जहाँ जहाँ उपलब्ध होता है वहाँ वहाँ देने की कोशिश महापालिका कर रही है। और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर ये कोटा बढ़ाया तो ज़्यादा पैमाने पर हम लोगों को वैक्सीन देंगे। कल ही डिंडोशी में हमने 3,500 लोगों को 15 अगस्त के दिन फ्री में, मुफ्त में वैक्सीन दिया। यहाँ के पालक मंत्री आदरणीय आदित्य ठाकरे जी ने जिसके प्रयास से ये हमने काम किया। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के सारे वार्ड में इस तरह के कैंप लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। देना चाहेंगे डीएनए हॉस्पिटल, क्या झुकनी है, आज जब यहाँ पहुँचे क्या शुभकामनाएं देंगे और क्या कैसे देखते हैं कि हॉस्पिटल को किस तरह से वर्क करना चाहिए? आज देखिए, हमारे कुरार के सभी हम लोग लीडर्स हुए या स्थानीय नागरिक हुए, हमारे लिए कुरार जैसी जगह पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, लोगों की सुविधा के लिए तैयार है, तो एक बहुत खुशी की बात है, एक प्राउड फील होता है कि हमारे यहाँ पे कुछ नई चीज़ किसी के माध्यम से आज इस वजह से हमारे डॉक्टर निहाल हुए, हमारे डॉक्टर अंबिका हुए, हमारे गायकवाड़ डॉक्टर सब हुए और इनकी पूरी टीम, इन सबको आज के दिन बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा कि कुरार में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो। जिस तरीके से मैंने अभी हॉस्पिटल देखा है, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, मशीनरीज है, जिस तरीके से स्टाफ है, वो सब तारीफें काबिल है। इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं डीएनए के टोटल मैनेजमेंट टीम को और सभी डॉक्टर। कोविड के दौरान आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनके वार्ड को लेकर कैसे आप देखते? दूसरी बात रही कोविड की, तो कोविड में टाइम्स ऑफ इंडिया ने डीएनए हॉस्पिटल को रेटिंग दिया था 4th पोजीशन पर, और हमसे ऊपर सिर्फ 3 हॉस्पिटल थे, वो तीनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे। ये कोविड में सबसे बड़ा ICU मुंबई का 55 बेड्स हमने चलाया, और हमारे इस ICU के शुरू होने का सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि जहां एक दिन का बिल 1 लाख रुपए हो रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल हमने 15,000 पर डे पर शुरू किया, तो इमीडिएटली सारे हॉस्पिटल्स में जो बिलिंग थी वो कम घटकर 20-25,000 रुपए तक आ गई। इतना बड़ा ICU शुरू करने के पीछे हमारा यही मकसद था कि मिडिल क्लास के लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उनको जो प्रताड़ना हो रही है, उससे उनको बचाया जाए। कितने हॉस्पिटल का बेड है सर? ये हमारा 55 बेड का है और हमारा एक हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट में है जो 35 बेड। सर, ICU की बात कीजिए तो ICU सर हमारे टोटल बेड पर ICU फैसिलिटी है, पूरे 55 बेड पर ICU फैसिलिटी है। जनरल वार्ड में भी एयर कंडीशन, मॉनिटर, ऑक्सीजन, वैक्यूम, सक्शन, एयर, सारी फैसिलिटी जनरल वार्ड में भी है, ट्विन शेयरिंग रूम में, डिलक्स रूम में और ICU में। सर, डॉक्टर कितने अवेलेबल हैं? तो डॉक्टर हमारे पास इस समय 30 से ज़्यादा हैं और अलग अलग स्पेशलिटी के हैं, सुपर स्पेशलिटी है। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज यहाँ पे होगा, जिससे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं यहाँ पर? सर, बुखार, नॉर्मल डेंगू मलेरिया से लेकर हार्ट अटैक, ब्रेन की सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, स्पाइन का ऑपरेशन, दूरबीन से होने वाले ऑपरेशन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी नाम से जो एक नई फील्ड विकसित हो रही है, मुंबई में अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से उस पर फोकस करके शुरू किया हुआ है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, जिसमें पेशेंट को दिन के दिन में ही बड़े से बड़ा ऑपरेशन करके घर में भेज दिया जा सकता है। सर, डेल्टा की बात की जाए, सर डेल्टा की भी व्यापारिक लाइन सर जी, जब कोविड की महामारी फैलेगी तो हम अस्पताल होने की जिम्मेदारी निभाते हुए, डॉक्टर होने की जिम्मेदारी निभाते हुए कोविड के मरीजों की सेवा करेंगे। सरकारी सर, आज डीएनए हॉस्पिटल का ओपनिंग है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? डॉक्टर अंबिका और उनकी पूरी टीम, उनके एसोसिएट्स, उनके पार्टनर्स, पठानवाड़ी एरिया में अच्छा हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज इनॉग्रेशन हुआ है,
मुझे खुशी है यहाँ के जो आसपास के इलाके में इतना अच्छा होटल और इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, और अंबिका जी के प्रयत्न से और उनकी पूरी टीम निश्चित तौर पर इधर बहुत अच्छा लोगों को फैसिलिटी देंगे। मैं विश्वास करूंगा कि लोगों को ये हॉस्पिटल की पूरी टीम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेवा दे, और जो भी आसपास के लोक प्रतिनिधि है वो लोक प्रतिनिधि भी डॉक्टर साहब के पूरी टीम से अच्छे एसोसिएट है। मुझे पता चला गजानन कीर्तिकर साहब आए थे, सुनील प्रभु जी आए थे, तो लोगों के साथ में इनका कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अंबिका जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, कोरोना काल में डीएनए हॉस्पिटल भी खुला है, सर हॉस्पिटल को आपके द्वारा कितना हेल्प मिल सकती है? निश्चित तौर पर ये इलाके में लगभग हमारे 50 से 60 हज़ार यूनियन के मेंबर्स हैं, और जो जिनको हेल्थ इश्यूज होंगे उनको निश्चित तौर पर ही हॉस्पिटल हमेशा वेलकम।